खबर पोहरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां सोमवार को सब जेल पोहरी के स्टाफ द्वारा अपने साथी प्रहरी नरेंद्र चंद्र शुक्ला को उनके रिटायरमेंट के अवसर पर फूलमाला पहनाकर और अन्य उपहारों के साथ घोड़े पर बैठाकर बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ जेल से विदा किया गया। इस अवसर पर रिटायर होने वाले प्रहरी नरेश चंद्र शुक्ला के परिजन एवं रिश्तेदार ग्वालियर से उन्हें लेने आए। वह पोहरी जिले के पहरियों द्वारा नरेंद्र चंद्र शुक्ला को दिए गए सम्मान और उपहारों को देखकर उनकी आंखें नम हो गई और सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पहुंची जेल के जेलर हीरालाल परमार द्वारा शॉल श्रीफल देकर रिटायर प्रहरी को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पोहरी जेल के गिरिराज धाकड़ अमृत सिंह धर्मेंद्र धाकड़ रजनी रघुवंशी राहुल महापौर के साथ अन्य सभी पदस्थ सभी प्रहरी मुख्य प्रहरी उपस्थित रहे। अभी तक क्या है, हम लोग जब ड्यूटी पर रहते हैं तो परिवार के साथ कम समय दे पाते हैं और स्वास्थ्य खराब रहता है, कभी कुछ रहता है, तो फिर भी विपरीत परिस्थिति में ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से एक तरह से आज बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो अपना बढ़िया परिवार अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। शुक्ला जी का कार्यकाल यहाँ मैं मुझे भी काफ़ी समय हो गया है जब से देखा है, हमेशा हम जैसे नए सिपाहियों को एक सीख देते रहे हैं कि बेटा ड्यूटी कैसे करना है, बंदियों के साथ कैसे रहना है, बंदी अपने कभी सगे नहीं होते, इन पर भरोसा करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे। कई बातें हैं जो इन्होंने अपने अनुभव से हम नए सिपाहियों को बताई हैं, इसलिए आज उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और सभी हमारे नए साथियों की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि आपने जो सीख दी है हमें वो हमें उन्हें अच्छे से पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत क्लास के लिए काफ़ी होती रहती है, खुद भी बहुत बीमार रहते हैं, इनकी काफ़ी दवाई करती रहती है। तो यही है कि ये अभी ठीक है, लेकिन अभी तक तो क्या काम करते थे तो ये फिट भी रहते थे, लेकिन इसके बाद में इनका जो शारीरिक जो काम रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये है कि ये आगे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इनको शुभकामनाएँ हैं आगे की जीवन में, मतलब खुश रहें, सुखी रहें और मस्त रहें। क्योंकि शासकीय सेवा में कर्मचारी अधिकारी जो भी रहे, एक नियत समय के बाद उसको सेवानिवृत्त होना ही होता है। तो हम प्रसन्न प्रफुल्लित इसलिए हैं कि हमारे शुक्ला जी जो हैं अपने 17 वर्ष के सेवा काल इसी जेल पे दे दिए हैं और बेदाग रहे, इसलिए हमें प्रसन्नता है। मेरे सेवाकाल, मेरा तो कम सेवाकाल है, 4 महीने होने लगभग हुए हैं, लेकिन हमें जो चाहिए कर्मचारी ड्यूटी के प्रति सतर्कता, हमें बंदियों की सुरक्षा का दायित्व है और हमें हमारी अपेक्षा ये रहती है कि हमारा स्टाफ जो है सजग रहे, सतर्क रहे। सेवानिवृत्त होने के करीब होने के बावजूद हमने पाया कि हमारा मतलब प्रहरी जवान जिसको हम बोलते हैं, हमारा जवान इस उम्र में इतना सतर्क है, मतलब नए जवानों को ये बोलते रहते थे कि ना भाई देखो बंदी हमारा कभी सगा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, सतर्क रहना चाहिए, मतलब ये उनका सोच उनको आगे बढ़ाता है, उनको उनके विचार इस प्रकार से हैं तो वो हमें अपने आदर्श हमारे वो विचार उच्च बनाते हैं। तो हमें सीखना चाहिए हमारे नए जवानों के लिए, इनसे मैं बोलना चाहूँगा। उनका सेवाकाल मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, मैं इसलिए तारीफ़ करूँगा उनकी कि हर समय मैंने अभी इनसे 2 महीने पहले कहा था, ये छुट्टी मांग रहे थे मेरे से कि ना साहब अब तो रिटायर्ड होने वाला हूँ, छुट्टी दे दो मेरे को। मैंने कहा था शुक्ला जी क्या करोगे घर जाके भी बैठना ही बैठना है फिर तो रिटायरमेंट, मेरे आग्रह पे इन्हें छुट्टी नहीं ली, बाकी मेरे से बोलते रहे।